नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। ये फूल गांठ को गलाता है, कैंसर को ठीक करता है, कुबड़ापन को दूर करता है, हिलते दांतों को जमा देता है, पेट की गैस और कब्ज को मिटाता है। जानिए कैसे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकॉन है, आप उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी, जिसे देखकर आप अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जो गांठ को गलाती है, कैंसर को ठीक करती है, दांतों और पेट की समस्याओं में भी बहुत अधिक कारगर है। कचनार के पत्ते शुरू में जुड़े व किनारों पर खुले होते हैं, जो हृदय का आकार होता है। कचनार के फूल की कलियां हरी होती हैं और खिला हुआ फूल सफ़ेद, लाल व पीले रंग का होता है। इसकी छाल में टेनिन, शर्करा और एक भूरे रंग का गोंद होता है। इसके बीजों में पीले रंग का तेल निकलता है। कचनार का बीज पौष्टिक और उत्तेजक होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कचनार के कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में। कुबड़ापन, अगर कुबड़ापन का रोग बच्चों में हो तो उसके पीठ के नीचे कचनार का फूल बिछाकर सुलाने से कुबड़ापन दूर होता है। या 60 से 120 ml कचनार और गूगल को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से कुबड़ापन दूर होता है। कुबड़ेपन के दूर करने के लिए कचनार का काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए। पेट की गैस, कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसके 20 ml काढ़े में आधा चम्मच पीसी हुई अजवाइन मिलाकर प्रयोग करने से बहुत अधिक लाभ होता है। सुबह शाम भोजन करने के बाद इसका सेवन करने से अफरा यानी पेट फूलना व गैस की तकलीफों में लाभ होता है। कब्ज, कचनार के फूलों को चीनी के साथ घोटकर शरबत की तरह बनाकर सुबह शाम पीने से कब्ज दूर होती है और मल साफ आता है। पेट की सफाई, कचनार के फूलों का गुलकंद रात में सोने से पहले 2 चम्मच की मात्रा में कुछ दिनों तक सेवन करने से पेट साफ होता है और जिससे कब्ज हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। त्वचा का सुन्न होना, कचनार की छाल का चूर्ण बनाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में खाने से रोग में बहुत अधिक लाभ होता है। इसका प्रयोग रोजाना सुबह शाम करने से त्वचा एवं रस ग्रंथियों की क्रिया ठीक होती है, त्वचा की सुन्नता दूर होती है। गांठ, कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसके 20 ml काढ़े में सौंठ मिलाकर सुबह शाम पीने से शरीर की और गले की गांठ गल जाती है। बवासीर, कचनार की छाल का चूर्ण बना लें और यह चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास छाछ के साथ लें। इसका सेवन प्रतिदिन सुबह शाम करने से बवासीर एवं खूनी बवासीर में बहुत अधिक लाभ होता है। दांतों के सभी रोग, कचनार की छाल को पानी में उबाल लें और इस उबले हुए पानी को छानकर एक शीशी में बंद करके रख लें। यह पानी 50-50 ml की मात्रा में गर्म करके रोजाना 3 बार कुल्ला करें। इससे दांतों का हिलना, दांतों का दर्द, खून निकलना, मसूड़ों की सूजन और पायरिया खत्म हो जाता है। दस्त का बार बार आना, कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पीने से दस्त रोग में बहुत अधिक लाभ होता है। कैंसर, कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से पेट की कैंसर ठीक होती है। दोस्तों, यह तो हो गए कचनार के फायदे। अब जानते हैं कचनार के सेवन में सावधानी, जिसका आपको पालन करना है। कचनार अधिक मात्रा में सेवन करने से हजम नहीं होती और कब्ज पैदा करती है, इसलिए इसका सीमित मात्रा में ही आपको प्रयोग करना है, जितना हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों, आप भी कचनार का प्रयोग करके अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।